एक दो तीन चार पाँच सितारा सुपर सितारा चलो चलते हैं आप। चश्मा चाहिए मुझे अभी है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग के स्टार्टिंग मैं अपने दिल के बेहद करीब जगह से कर रही हूँ। ये स्टूडियो छोटा सा कमरा, सिर्फ एक कमरा ही नहीं, स्टूडियो ही नहीं, मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है। तो अभी मैं स्टूडियो में काम ही कर रही थी और थोड़ी देर पहले प्लांटेशन का मैंने थोड़ा सा काम किया है, उसके बाद नहा के वापस से आई हुई स्टूडियो में। मैं पूजा करने वाली थी लेकिन मम्मी ने पूजा कर दिया है तो मैंने नहीं किया है। तो आज आपको देखने को मिलेगा शिवम पांडे की रिकॉर्डिंग। तो शिवम ने बोला है कि भाई वो मुझे 500 रुपये देगा रिकॉर्डिंग के, क्योंकि हालांकि इस स्टूडियो में किसी का भी पैसा नहीं लगा है। तो इसमें जो भी सिर्फ मतलब शिवम मंगल पूजा में से जो भी इस स्टूडियो में काम करेगा उसको मुझे पे करना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा। तो बाहर मतलब बाहर के लोगों के लिए मैं एक बात बताऊं तो ये स्टूडियो मैंने नहीं किया है, ये मैंने पर्सनल यूज़ के लिए किया है। तो इस स्टूडियो में बाहर वाले की एंट्री बंद है, सिर्फ घर के अलावा किसी और की एंट्री नहीं हो सकती है। तो अभी चलो शिवम का इंतजार करते हैं और सेटअप ऑन करते हैं। क्या बोल रहे हो? बोला मेरा भी एंट्री नहीं है। अरे बाप रे बाप, बाप रे ऐसे झूठ तो मत बोल, ये बोल रहे तो झूठ बोल रहा है शिवम। हाँ कब आ रहे हो? तो ये देख लो भाई, ये प्लांट लगाए है अन्ना ने। नहीं दीदी नहीं बोली है, हम नहीं घुसते है कि इसमें आँख जल रहा है। हाँ जल रहा है। हाँ तो यहाँ पे मैंने घास लगा दिया है जो लेके आई थी मैं बाहर से, और इधर देखो अन्ना ने प्लांट लगाया। और पधारेंगे थोड़ी देर में नहीं। हाँ। अगर गाना लिख लेंगे कॉपी में। हाँ तब उसके बाद गाना गाएंगे। ये गाएंगे आएगी ये भगवान। वेल डन वेल डन वेल डन, तालियां। सुंदर सुंदर भजन सुनाएगी गिन्नी आए। हाँ 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 वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अब तुम तो अब गाना जब स्टूडियो में माइक मिलेगा तुमको, ठीक है? भाग गया भाग गया ये लड़का, देखो मेरे स्टूडियो के बाहर ये डॉल बेल लगा है। चलिए चल के स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने बटन ऑन कर दिया स्पीकर का, उसके बाद यहाँ से स्पीकर ऑन करेंगे। अब इसके बाद हम पहुँचेंगे दूसरे साइड, यहाँ से ये स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन करेंगे और उसके बाद ये मैक मिनी ऑन करेंगे। ऑन हो गया मेरा मैक मिनी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चश्मा चाहिए मुझे, नहीं रह पा रहा हूँ, कुछ है चिप रहा है। शिवम जी पधार चुके हैं। देखो इसमें ना जो पेंट से मतलब जो ग्लू से हमने फोम को पलाई के ऊपर चिपकाया है ना, वो ग्लू बहुत हार्ड होता है। और हालांकि मैंने खुद ही चिपकाया है एक एक फोम को, तो मुझे हैबिट हो गया है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा वो आंख में। इन लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि इन्होंने जीरो ही नहीं चिपकाया, मतलब बिल्कुल भी मदद नहीं किया। तो चलिए शिवम जी आ जाइए, गेट बंद कीजिएगा। चलो आ जाओ, ऑन करते हैं अब ये, खुल जा सिम। हो गया, खुल गया भाई। ये तो कब्जा करने का सोच रहा है यार, खड़ा नहीं खा सकते इसमें ना, वो टांगने के लिए वो पट्टा नहीं है सब। ओहो बैठ ही जाओगे, ठीक है। कैसा लग रहा है? ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है दोस्तों। मैं गिटार लेकर कब से यहीं पे बैठ चुका हूँ और ये लड़की कब से देखो पता नहीं क्या क्या ठक 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 कर रही है। इसको करना वरना आता भी है कि नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही बस बैठ कर कुछ ना कुछ किए जा रही है। लो माइक, लो दो माइक दो, तुम्हारे साइज में कर दे। मैं कर लूँगा, चलो भाई। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सिंग इन आवर स्टूडियो, इन गिनी स्टूडियो, एक्चुअली नॉट आवर स्टूडियो। इसको कर तो भाई, इसको इसको अपने साइड झुका ले। लो पकड़ो अपना कैमरा। रुको, कैसे कैसे झुकेगा यार ये? अरे मैं झुकाऊंगा ना, पकड़ो तुम कैमरा यार, मैं कर रहा हूं। चलो करो 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 और करो, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, रेस्ट ऑन मैनेज, ठीक है। चलो और आगे आओ, और आगे आओ। मैं चलो ठीक है, मैं रेडी ठीक हूँ यहाँ पे। सिर्फ तुम्हें रिकॉर्डिंग चाहिए, कोई बीट बीट वगैरह नहीं चाहिए ना? नहीं बस मुझे हेडफोन तो दो भाई, खुद का आवाज सुनना है मुझे। अच्छा ठीक है, ऑल सेट सर,
ओए अबे यार ये ऐसे घूमना बंद नहीं होगा क्या? घूम कैसे रहा है वो? घूम कहाँ रहा है? ठीक है, अरे तो उसको टाइट कर भाई। ऐसे करूँ ना? ओ कुछ अब मुझे क्या पता, इतना भाई अभी ऊपर नीचे करके देखा नहीं है मैंने ऐसे। चलो बोलिए सच्चे दरबार की। ओब्वियसली यार सच्चे दरबार की जय। रुको रुको रुको, सॉरी 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 सॉरी, वेट वेट वेट, सॉरी 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 सॉरी, डन। भाई इसने गंदा रिकॉर्ड कर दिया तो कह रहे हैं मत डालना। ऑब्वियसली यार गंदा थोड़ी कोई डालता है यार, सब सिंगर से गलती होता है। खैर मैं अपने सिंगर में कहूं, ये देखो ये देखो इसने ये रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड किया है भाई। नहीं यार मत डाल। अच्छा ठीक है, नहीं डाल रही लेकिन अच्छा वाला डालना यार, अच्छा वाला ही डालोगी ना। ए भगवान, चलो ठीक है। बस प्रॉपर आ रहा है तुम्हारे हेडफोन में? चलो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सुन रही हूँ शुद्ध बुद्ध होके। भाई ये लड़का ये वाला गाना मेरे रिजेक्ट कर चुका है साला चुम्मा आदमी। तुम कब तक, तुम कब करेगा रे बताओ? ये वाला फाइनल है? फाइनल है, चल ठीक है। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो है आके पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। जिद है अब तो जिद है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बताऊं अभी इन दिनों जो सुपर मॉडल हिट क्या बोलते हैं चलती सुपर है सितारा। सुपर सितारा रानू मंडल जी आई थी और अभी अभी आके रिकॉर्डिंग करके फटाफट से गई है। साथ में हिमेश रेशमिया जी भी थे, रेशमिया जी भी थे। तो चलिए सुनते हैं जो वो गाना गा के गई है। ठीक है, क्या आप एक्साइटेड है? सुपर एक्साइटेड। तो ये लड़का अभी नहीं था, बाहर चला गया था। तो अभी चलिए रानू मंडल जी का सुनते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया यार। तो एक क्लास गाना होगा। कैसा लगा आपको रानू मंडल जी का गाना? अच्छा गाती है लेकिन, है ना? अच्छा गाती है, अच्छा गाती है, सुंदर लगा तुमको? जियो बुकिंग है उनका कंफर्म? जियो कंफर्म बुकिंग है, कंफर्म। 1,00,000 एडवांस दो फिर उसको कहिए न्यम न्यम न्यम। बुकिंग ही 5,000 रुपया तो कैसे 1,00,000? बाप रे बाप, कहां मंगल को करंट मारो, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। ये भाई हम सिस्टम छोड़ के चले हैं अपना, ओपन नहीं है। रुक 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 रुक, कहाँ करंट मारा रे साला, गजब ही आदमी है, मार दिया करंट। चलो चलो यार, अरे एसी में है तुम्हारे रूम का? कहाँ मारा रे करंट? कब रूम का है? ये साला पागल आदमी है। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, लोड लेवल का लोड डाउन नहीं होना चाहिए, वही देख रहे हैं सब। एसी ऑन करो जाके। नहीं यार मत कर, खुद इलेक्ट्रीशियन को आने दे। वो भैया ऐसे भी बोल रहे थे कि इसकी इसे कहीं सब काम टेम्पररी करवा रहा है, परमानेंट वाला काम कर रहा है। इसका किडनी भी इतना ताकतवर नहीं है कि बेच के घर बनवा लेंगे दूसरा, रिपेयर करवा लेंगे। चलो सब बोल बोल के हम ही शॉर्ट सर्किट जन्ना हो कहीं पे भी, इस वजह से लोड बढ़वाए और हेवी तार पे तुम लोगों का। मुझे लग रहा है कि तुम ही कारण हो हर कोने में शॉर्ट सर्किट। अच्छा चलो जल्दी चलो यार, शिवम ऑन है सिस्टम। देख लो यही प्रॉब्लम होता है, लाइट गया सिस्टम बंद हो गया, बंद होके अपने आप खुल जाएगा। क्या यार, तो शिवम का एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ओके ओके टाइप का है। हाँ अभी तुम्हारे व्लॉग के सामने दूंगा, कैमरा तो इधर करो मेरी तरफ। हाँ,
सामने दूंगा भाई, क्या घबरा रही हो? तो ये मुझे 500 रुपीस पे करने वाला है। हालांकि हुआ नहीं अच्छे से, मुझे ज्यादा टाइम लेना था, लेकिन फिर भी मैं पास हूं तुम्हारा। तुम लो ना भाई, तुम लो, तुम ले क्यों नहीं रहे हो? तो पता है क्या, अब मैं एक गाना रिकॉर्ड करने वाली हूँ शिवम की गिटार पे। मोहब्बत को ना तूने फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली, जख्म देते हो कहते हो सीते रहो। अभी बताओ कि तुमको कहा है, झांस नहीं रहा है? पहले झांस रहा था ना, बहुत ज्यादा लग रहा था। शायद मैं गिटार में मगन हूँ। गिटार में मगन नहीं, अब तुम आते आते तुम्हारा अब देखना आदत हो जाएगा धीरे धीरे। रुको शिवम, देखो मैंने थोड़ा सा अपने वाला गाना वो किया है, सुनो। जब कहा था मोहब्बत को ना तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर मैंने बोला था ना 500 दूंगा, 1 2 3 4 5 असली नोट है, देख लो भाई। देखना पड़ता है, रुक जाओ, तुम जैसे आदमी के कारण ना हमको 100 रुपये भी। वाह यार वाह वाह वाह, बोल काटू नरेश की जय, सच्चे दरबार की जय, वाह भगवान। वैसे मुझे 500 तो देने का नहीं था, क्योंकि इतना रिकॉर्डिंग नहीं करवाया मैंने अभी। अब होने लग गया आँख में प्रॉब्लम, अब आँख में होने लग गया, हाँ एक्शन में होने लग गया, थोड़ा सा मुझे भी हुआ। चलिए शिवम जी का जो गाना था वो इनको दे दिया जाए, उसके बाद इनको मैं डालूंगा वो वाला इंस्टाग्राम पे, ठीक है? जाके लाइक कर देना आप लोग, कमेंट भी कर देना, इनको दफा करते हैं उसके बाद इनको यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शिवम जी को एयर ड्रॉप कर दिया है गाना, ठीक है ना? ये क्या कर रहे हो तुम पगला, क्या कर रहे है रे पगला, पता नहीं क्या कर रहा है यार। अभी ना इतना बड़ा कांड हो गया, ये देख लो मेरा जो ये लालटेन है, ये पता नहीं कैसे ढीला होकर के पूरा ऐसे लटक गया। पता जिन लोगों ने सेट किया था ना यार, वह ऐसे इंसान थे ना, मतलब इसको सेट करने में तो पहले 4 से 5 घंटा लिए एक अकेला लालटेन सेट करने में, और ऊपर से करके भी ऐसा गए कि लो भाई अभी लटक गया। मेरे को तो अभी हार्ट अटैक आ जाता, डर गई थी यार। तो अभी स्टूडियो बंद करके मैं इधर बिस्तर पे आ गई हूँ, खाना खा लिया है मैंने, और यार मैं अपनी स्किन प्रॉब्लम से इतना परेशान हूँ ना यार, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता है परेशान भी इसलिए कि किसका इलाज नहीं है यार मेरे से ज़्यादा, अगर मेरे को नहीं लगता कि कोई होपलेस फील करता होगा कि यार इसका इलाज ही नहीं है यार। सब जगह बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखवा लिया, इलाज ही नहीं है। इतना बुरा हाल कर लिया ना मैंने अपने हाथ पैर का कि कोई आता भी है या फिर कहीं निकलती ही नहीं, निकलती भी हूँ मैं फुल बाजू का हमेशा टी शर्ट पहनूंगी पैंट पहनूंगी, क्योंकि इतने सारे मैंने रैशेस कर लिए, पता नहीं यार क्या होगा यार। तभी मैं जा रही हूँ सोने, ठीक है बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह सुबह मैंने योगा वगैरह कर लिया, रियाज भी कर लिया, सुबह सुबह मैं खाली पेट खा रही हूँ नीम का पत्ता, क्योंकि यार बहुत बुरा हाल हो चुका है मेरा। ऐसे से चबा कर मैं पानी पी जाती हूँ, 3-4 बार वोमिट आता है लेकिन उसको वोमिट करती नहीं। क्या है आखिर इसके अंदर? राजा भैया है एक, जिनको जिनकी कोई बहन नहीं है, जो कि मुझे बहुत मानती है, वही जो राखी बांधे थे बर्फी की लाए थे, याद करो। अच्छा तो उन्होंने ही मेरे लिए गिफ्ट भेजा है कुछ। क्या हो रही है? नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तुम गुस्से में है। तो ये देखो, एक में तो कछुआ आया है, ये दूसरा वाला शक लग रहा है मुझे। कॉफी लाओ, तुम्हारे राजा भैया हमारे लिए कॉफी भिजवाए हैं। हमको लगा था कि आप हम ही से प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, आप इनसे भी प्यार करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। लो ले जाओ, कॉफी तो है यार इसके पास, क्यों भेजे हो? नहीं कोई मुझे कॉफी नहीं भेजेगा, प्लीज बहुत कॉफी हो गया है, लो ले जाओ। थैंक यू ब्रदर। और हाँ, कल ना राजा भैया ने मुझे एक टिप वाला लाइट भी भेजा था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत जल्द उसको लगाऊंगी स्टूडियो में। और एक बात, बहुत सारे लोग गुस्सा जाते हैं कि सबका गिफ्ट खुल के वीडियो ने मतलब ब्लॉग में नहीं दिखाया जाता है, मिस हो जाता है यार, हमारे पीठ पीछे भी लोग खोल देते हैं, घर के जो स्टाफ हैं या मम्मी हैं, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बन पाता है।
सॉरी। सो अभी मैं स्टूडियो में हूँ और राजा भैया ने वापस से कुछ भेजा है मेरे लिए। देखती हूँ कि क्या भेजा है। यार भैया प्लीज़, मुझे पता है कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप मेरा व्लॉग देखते हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तो भिजवा दी, अब मत भिजवाना, ठीक है? ओ भाई, ये पूजा के लिए भेजा है राजा भैया ने। पूजा का है ये तो। ओ माय गॉड, क्या गया था गेट पे? गेट पे क्या करने गया था? पार्सल लेने। ये देखो, ये पूजा दी के लिए भेजा है उन्होंने। सुंदर है। मेरे रूम का लाइट अभी ऑफ हो चुका है, मैंने खाना वाना खा लिया है, दोपहर का टाइम है। सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ। यार सोने कैसे देगा, यूट्यूब नीचे चप्पड़ चप्पड़ करके खाना खा रहा है। मम्मी उसको खाना देके गई है अभी। तो बस इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय फ्रेंड्स।